अभी आप जो साउंड देख रहे हैं ये है कैसोन CS6। इसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, लाइव रिव्यू, जिसमें आपको मैं हर वीडियो साउंड मैं हर चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है, इस कैसोन CS6 का जो स्पेशलिटी है वो क्या क्या है। ये है एक्चुअली EIS और 6 एक्सिस गायरो स्टेबिलाईजर। सेंसर है इसमें IMX386, 170 डिग्री HD का वाइड एंगल लेंस है। फ्रंट में 2 इंच का LCD है और बैक में 1.4 इंच का LCD है। अगर आप अपने कैमरा से अपने मोबाइल में अगर कनेक्शन खींचना चाहते हैं तो एक QR कोड दिया हुआ है, उसमें से आप iSmart DV को, वहां से आप अपने कैमरा के जो फोटोज है वीडियोज है उसको आप अपने मोबाइल में खींच सकते हैं। वीडियो का जो फॉर्मेट है वो है MOV.MOV एक्सटेंशन आएगा और इमेज का जो है वो .JPEG आएगा और वीडियो का जो कंप्रेशन है वो H.264 है। चलिए अब अपन सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, वीडियो का क्वालिटी क्या है, हर एस्पेक्ट में हर रिजोल्यूशन में हम सबको कवर करेंगे। और आपको जो मेरा आवाज मिल रहा है ना, ये है जो इनबिल्ट इसका जो डिफॉल्ट माइक्रोफोन है उससे मिल रहा है। ये कैसोन का माइक्रोफोन है, इसी के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बताइएगा कि आपको वॉइस कैसे आ रहा है, कैसे मिल पा रहा है, क्लियर कितना है। आप जब भी कैसोन CS6 को अनबॉक्स करेंगे तो उसमें आपको एक मैनुअल मिलेगा कि आप TRRS और TRS का एक आपको शीट मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, ये मैंने एक अडेप्टर परचेस किया है, ये TRRS से TRS में कन्वर्ट करता है और ये है लोकल एक ईयरफोन बोट का, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आपको मेरा वॉइस पता चल रहा होगा कि कैसे वॉइस आ रहा है, क्वालिटी क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें EIS और 6 एक्सिस गायरो स्टेबिलाईजेशन है। अपन आज रियल ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कैसे है। देखिए मैं दौड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब मैं काफ़ी फास्ट वॉक कर रहा हूँ, बहुत ही फास्ट वॉक कर रहा हूँ। मेरे को बताइएगा कि कैसे ये स्टेबलाइज कर रहा है पिक्चर को। ये अभी जो इमेज देख रहा है ये है 4K 30 FPS वाइड एंगल में आप देख रहे हैं। अभी आप 4K 30 FPS मीडियम वाइड एंगल पे देख रहे हैं। अभी आप 4K 30 FPS और नैरो वाइड एंगल में देख रहे हैं। ये देखिए साइड से, इस साइड से और इस साइड से देखिए कितना ट्रिम हो गया है। अभी आप 2.7K 30 FPS में वाइड एंगल में देख रहे हैं। अभी आप 2.7K 30 FPS और मीडियम वाइड एंगल में देख रहे हैं। अभी आप 2.7K 30 FPS और नैरो वाइड एंगल पे देख रहे हैं। देखिए साइड से अगेन कितना, इस साइड से देखिए और इस साइड से देखिए कितना ट्रिम हो गया है। अभी आप 108060 FPS पे देख रहे हैं वाइड एंगल रिजोल्यूशन पे। अभी आप 108060 FPS रिजोल्यूशन पे देख रहे हैं और मीडियम एंगल पे। अभी आप 108060 FPS पे देख रहे हैं और नैरो वाइड एंगल पे देख रहे हैं। पूरा सजाया हुआ है गेरुआ कपड़े से कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे।
अभी आप बताइएगा कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका वॉइस आपको कैसे मिल रहा है? नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दिया हूँ, यानी कि नॉइस रिमूवल का ऑप्शन है। और ये जो बोर्ड का जो नॉइस कैंसलेशन वाला ईयरफोन है उसमें मैंने TRRS से TRS कन्वर्शन जो है वो मैं लगा लिया हूँ। कैसा है मुझे बताइएगा, वॉइस क्वालिटी कैसा है और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस कैमरा में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी फीचर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अगर मेरा आज का ये एक्सपेरिमेंट सही होता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कैसन के जो माइक्रोफोन है उसके जगह पे आप एक नॉर्मल ईयरफोन ले लीजिए, क्योंकि उसमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है जो एक्स्ट्रा नॉइस को हटा के आपके वॉइस को काफ़ी ज़्यादा क्लियर रखेगा। मैं कुछ ब्रेकर से जानबूझ के गाड़ी को ले जा रहा हूँ, कुछ गड्ढों से ले जा रहा हूँ ताकि ये पता चल पाए कि इमेज की स्टेबिलिटी कैसी है। वैसे अपने वीडियो में पहले ही देख लिया है, बट फिर भी एक ड्राइविंग मोड में और एक दौड़ने में दोनों में फ़र्क होता है। आप मुझे बताइएगा कि ये इमेज क्वालिटी कैसा है, वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथियों जितना हो सके उतना लाइक्स दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैं भूखा हूँ लाइक्स का। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो नीचे जो लाल बटन है उसे ज़ोर से हथौड़ा मार दीजिए, साथ में ऑल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के थ्रू मैं जब भी ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।